नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर की वो जो यादें हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। लता मंगेशकर की वो इंटरव्यू तो आपको याद होगा, जब लता मंगेशकर ने अपने दूसरे जन्म के बारे में बात की थी, बताया था कि वो मजबूरी, जिस मजबूरी से वो हमेशा गुजरी है, 13 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया, 13 साल की उम्र से परिवार की जिम्मेदारियां संभाली और उस जिम्मेदारी से वो आगे बढ़ती रही। अभिनय करने का शौक नहीं था लेकिन पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से आपको बता दें कि 1940 से लेकर 1950 तक उन्होंने 7 फिल्मों में काम किया। तो बिना शौक के काम किया क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी अपने शौक को मारना पड़ जाता है, सपने को मारना पड़ जाता है पैसों के लिए। तो पैसों की जरूरत थी जिस वजह से लता मंगेशकर को फिल्मों में काम करना पड़ा। और लता मंगेशकर इसके बाद एक्टिव हुई गायन में। तो दूसरे जन्म पर जब लता मंगेशकर ने बात की थी तो उन्होंने यही बताया था कि वो कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती है। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा था, आपको बता दें कि इस पर धर्मेंद्र ने भी बात की। धर्मेंद्र ने भी उनके इस दूसरे जन्म के बयान पर अपनी बात बताई है कि आखिर लता दीदी को ऐसा क्या लगा जो उन्हें ये सब कुछ बोलना पड़ा। इसके बारे में बताएंगे, खुलासा करेंगे, लेकिन आगे नहीं, यहाँ आगे इस रिपोर्ट में। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अभिनेता धर्मेंद्र इस क्षति को अपने लिए एक बहुत बड़ा सदमा करार देते हैं। लता जी को धर्मेंद्र बहन से बढ़कर मानते थे, बहन से बढ़कर सुख दुख का साथी करार देते थे। लता जी के साथ अपनी खास यादों को उन्होंने शेयर किया। उर्मिला कोरी के साथ हुई बातचीत में उन्होंने बहुत कुछ कहा। लता जी के निधन की खबर सुनकर मैं स्तंभ रह गया। वो मेरी बहन से बढ़कर थी। मुझे जब भी ये खबर मिली, अपने फार्म हाउस में था मैं। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं लता जी को आखिरी बार देखने जाऊं। मैं 2 बार कपड़े पहनकर तैयार हुआ लेकिन फिर मैंने कपड़े उतार दिए। सच कहूं तो जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हमें छोड़कर जा चुकी हैं। लता जी हमारे दिलों दिमाग गानों में हमेशा अमर रहेंगी। लता जी जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। वो जब वह हॉस्पिटल में थी तो मैं समय समय पर उनकी खबर लेने के लिए फ़ोन करता था। उनके निधन की खबर सुनकर मैंने उषा जी को फ़ोन किया। उषा जी ने मुझे बताया कि धर्म जी, हमारा डर अब दर्द में बदल गया है। अस्पताल में भर्ती के 4-5 दिन पहले लता जी ने मुझसे बात की थी तो वो ठीक थी, मैं बस ठीक हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी ठीक रहें, चिंता मत करो। इस तरह उन्होंने मुझे हिम्मत दी। लता जी पूरे इंडस्ट्री के लिए बहन की तरह थी। हर कोई उन्हें बिना शर्त के प्यार करता था। वो भी पूरे स्नेह से सबको अपना मान लेती थी। जब भी बहुत परेशान होता था तो मैं उनसे बात करता था। वो मुझसे तरह तरह से प्रेरित थी। मैं बहुत बार परेशान होता था, उन्हें फ़ोन करता था। वो मुझे फ़ोन पर समझाती थी कि धर्म, तुम बहुत मजबूत हो, आप हमेशा खुश रहेंगे, ये ठीक हो जाएगा। इस तरह लता जी ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। पिछले 2-3 साल में हम फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत करते थे। हम हर 2-3 दिन में फ़ोन पर बात किया करते थे। कभी कभी वो फ़ोन करती थी, कभी मैं। कोरोना के दौरान हमारी बातचीत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हम एक ही डॉक्टर की देखरेख में थे। लता जी बिना वजह मुझसे तोहफे भेजती थी। वो मुझे सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियाँ अलग अलग धातुओं से बनी भेजती थी। मैंने उनके द्वारा दिए गए सभी उपहारों को संभाल कर रखा है। कई बार उन्होंने मेरी पत्नी हेमा के लिए साड़ियाँ भी भेजी है। हेमा साड़ी पहनने के बाद फ़ोटो खींचकर लता जी को भी भेजती थी। मैं बीच बीच में लता जी को फूल का गुलदस्ता भी भेजता था। मैंने पहली बार लता जी को अपनी फिल्म शोला और सबनम की शूटिंग के दौरान देखा था। उनसे पहली मुलाकात महबूब स्टूडियो में हुई थी। लता जी को अपनी फिल्म में गाते हुए देखकर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता है कि उस वक्त मैंने इस खुशखबरी को साझा करने के लिए कितने लोगों को चिट्ठियां लिखी थी। सच कहूँ तो पहली मुलाकात में मेरी तो उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही धीरे से मुस्कुराई। फिर मेरी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत कड़ी मेहनत की है। तुम एक दिन बहुत बड़े एक्टर बनोगे। तब से हम अनगिनत बार मिले। कई साल बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुलाकात के पहले दिन मैंने बेंज रंग की शर्ट पहनी हुई थी। मुझसे ये सुनकर आश्चर्य हुआ। इतने साल बीत जाने के बावजूद उन्हें हर बात बहुत डिटेल में याद रहती थी। लता जी के बारे में कुछ बनावटी नहीं था। अगर उन्हें कभी किसी चीज़ पर गुस्सा आता था तो वो तुरंत उन्हें जाहिर कर देती थी। वो बहुत ही मजाकिया थी
और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी थी। मैं उन्हें अपनी कविताएं कई बार पढ़कर सुनाया करता था। लता जी को वो पसंद भी आता था। वो मुझसे अक्सर लिखकर भेजती थी। वो मुझसे कहती थी कि मेरी कविताओं को वो गाएंगी, लेकिन मौका मेरे जीवन में कभी आ नहीं पाया। लता जी का नाम सुनते ही हमको उनके नाम से जुड़ा शोहरत, पैसा, प्यार की ये बातें नज़र आती हैं, लेकिन लता जी के सीने में दुख भी था। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि वो अगले जन्म में लता के रूप में जन्म नहीं लेना चाहती। लता जी दूसरा जन्म नहीं चाहती हैं। उनके लिए पूरी दुनिया दीवानी है, उनकी पूजा करती है, और वो लता मंगेशकर दोबारा जन्म ही नहीं लेना चाहती हैं। इसके पीछे की वजह था उनका संघर्ष। दरअसल वो बचपन से ही बहुत संघर्ष करके बड़ी हुई हैं। उनके बचपन के वे दुख हमेशा उनके साथ थे। पैसा कभी भी दुखों को दूर नहीं कर सकता। पैसा लोगों की सारी खुशियां नहीं दे सकता। वो कहती थी कि मुझे जितना चाहिए था मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन मेरे पास वो सुख शांति नहीं है। मानव जीवन में जो सुख और शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ मेरे पास नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी शोहरत होने के बावजूद मेरे पास वो सुख नहीं है जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। एक शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है। आज लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन लता जी की यही बातें हमें याद आती है। लता जी ने हर इंटरव्यू में भी ये बात कही। लता जी ने धर्मेंद्र से भी ये बात कही कि वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक बार जन्म लेके उन्होंने देखा है, इतनी तकलीफें उन्होंने झेल ली। 13 साल की वो उम्र जब बहुत छोटी उम्र होती है, उस समय उनके पिता का निधन हो गया। इस निधन के बाद उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी आती है। शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, कुंवारी रह गई, लेकिन लता मंगेशकर ने जीना नहीं छोड़ा। परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गई लता मंगेशकर। धर्मेंद्र से यही बात हमेशा कहती हुई नजर आई कि धर्मेंद्र, मैं दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहती। इस दुनिया में बहुत दुख है, इस दुनिया में बहुत पीड़ा है, और वो पीड़ा मुझे झेलनी पड़ी है, जिस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फिर से लता मंगेशकर के रूप में जन्म लूँ। जी हाँ, तो ये उनकी बातों से साफ झलकता था कि आखिर इतने खिलखिलाकर हंसने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। अब इतने खिलखिलाकर हंसने वाली लता मंगेशकर उस समय इतने ज़्यादा दुख में थी, क्योंकि वो दुख उनके चेहरे पर साफ झलकता था, उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था वो दुख जिससे वो लड़ रही थी और हमेशा से लड़ती हुई आई थी। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि धर्मेंद्र ने उनके दूसरे जन्म के बारे में क्या बातें की। धर्मेंद्र आखिर अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए थे। कारण यही था कि लता मंगेशकर को उस हालत में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र देखना ही नहीं चाहते थे। धर्मेंद्र ने 2 बार कपड़े पहने फिर कपड़े उतार दिए, इसीलिए कि उन्होंने सोचा वो नहीं देख पाएंगे लता जी को ऐसे। लता जी को ऐसे देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लता जी को वो अपने लिए बहुत बड़ी लेजेंडरी सिंगर मानते थे। उनके हमेशा नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन लता दीदी जब जिस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें इस हालत में देखने का धर्मेंद्र में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए धर्मेंद्र उन्हें देखने नहीं पहुँचे। दूसरे जन्म पर उन्होंने बात की, हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो फिलहाल आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।